और अफगानिस्तान में सरकार गठन में दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने झटका दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर दखल नहीं देगा। ये बातें तालिबानी प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। आपको हम बता दें कि लगातार सरकार गठन के मसले पर पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा था, यहां तक कि पंजशीर में जो हमले हुए उसमें भी बॉम्बार्डिंग में पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा था। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है, तालिबान ने कह दिया है कि कश्मीर मसले पर वो कोई साथ नहीं देगा पाकिस्तान का। और हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज तरीके से और बातचीत के जरिए और मसला है दोनों मालिक के खातिर, इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रेजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलामी तरीके से वो हल करें दोनों, ये हमारी मौकिफ है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान आखिरकार हो ही गया। अफगानिस्तान के सरदार का नाम भी सामने आ गया है। तालिबानी सरकार की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी गई है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुना है। उसी अखुंद की ये सबसे नई तस्वीर सामने आई है। तो आपको बता दें कि मुल्ला अखुंद जो है वो पीएम बने। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि देर रात भी आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठे रहे, उनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिन्होंने खट्टर सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा। 28 अगस्त की लाठीचार्ज की घटना के बाद करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने सचिवालय का घेराव किया और फिर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने खट्टर सरकार को अड़ियल रुख अपनाने पर आरोप लगाया। कुछ हो रही है अभी तो नहीं, रणनीति क्या है आगे की? अभी तो यहाँ लेट है, हमारी क्या रणनीति, किसान की क्या रणनीति, थक गए। हाँ तो वही तो, अब सड़कों पर लिफ्ट है यहाँ अलग अलग जगह, महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे।